हेलो दोस्तों, आप बुंदेली ट्रक से समाधि स्थल कभी नहीं भूलेंगे। आपको राजीव गांधी समाधि स्थल कहाँ स्थित है? बीरभूमि, बी से बीरभूमि, रा से राजीव गांधी, एक दूसरे से रिलेट करना है आपको वर्ड। और वीडियो के एंड तक जुड़े रहें, आपको उंगलियों में याद हो जाएंगे सभी समाधि स्थल। तो इसका सही आंसर बीरभूमि होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इनका समाधि स्थल महाप्राण घाट है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं तो इनको बहुत डर लगता है डॉक्टरों से, तो ये कांपने लगते हैं। तो महाप्राण घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल कहाँ है? महाप्राण घाट इसका सही आंसर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इनका समाधि स्थल है विजय घाट। अपनी बहादुर व्यक्ति वही होगा जो विजय प्राप्त करेगा, यानी युद्ध में जो विजय प्राप्त करेगा वही तो बहादुर व्यक्ति कहलाएगा। तो इनका समाधि स्थल कहाँ है? लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। तो इस प्रकार से आपको सभी याद हो जाएंगे। ज्ञानी जैल सिंह समाधि स्थल कहाँ स्थित है? इनका समाधि स्थल एकता स्थल है। तो इनका ज्ञानी जैल सिंह यानी जेल में जो व्यक्ति रहते हैं उनमें एकता होती है, कम्युनिटी होती है, वो हमेशा अपने एक संघ में रहते हैं, इसलिए ज्ञानी जैल सिंह यानी जेल में एकता होती है। इसका सही आंसर एकता स्थल हो जाएगा। शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इनका समाधि स्थल है कर्म भूमि, यानी वो बार सुना है आपने कर्म ही पूजा है, तो वहाँ से आपको शंकर और कर्म दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो जैसे आपको ऑप्शन में दिखाई देगा शंकर दयाल शर्मा जी का समाधि स्थल कहाँ है, आपको सीधा कर्म भूमि लगा देना है। तो इसका सही आंसर कर्म भूमि है। महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल राजघाट दिल्ली में स्थित है। क्यों है? क्योंकि इन्होंने हर जगह भ्रमण किया है, लंदन, ब्रिटेन, अफ्रीका में काले गोरों में भेद खत्म किया, तो इस प्रकार से इन्होंने हर जगह भ्रमण किया है, इसलिए इनका समाधि स्थल कहाँ हो जाएगा? राजघाट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? इनका समाधि स्थल चैत्रा भूमि में है, यानी जब चैत की कटाई होती है तो गर्मी की वजह से जो काम करने वाले मजदूर हैं धूप की वजह से बैठ जाते हैं, तो अम्बेडकर से आपका रिलेट होगा चैत्रा भूमि। जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? इनका समाधि स्थल शांति वन। अब वन में शांति कब होगी? जब वन में से नहर निकलेगी। नहर निकलेगी यानी वन हरे भरे होंगे, हरे भरे होंगे तो उनमें पशु हैं जो जंगली जानवर हैं वो सही से जीवन यापन कर पाएंगे, इसलिए कहाँ? शांति वन में मिलेगी जब नहर होगी। इंदिरा गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ है? तो नारी शक्ति, इनका समाधि स्थल कहाँ? शक्ति स्थल। इस प्रकार से आप रेट कर सकते हैं, या तो फिर इंदिरा गांधी यानी इंद्र में सबसे ज़्यादा शक्ति किसमें थी? इंद्र में, तो वहाँ से हो जाएगा शक्ति स्थल। तो इसका सही आंसर होगा आपका शक्ति स्थल। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो मोरारजी देसाई जी का समाधि स्थल अभय घाट है। अभय नाम का लड़का है जो मोरा है, मोरा यानी जो किसी की बात नहीं मानने वाला, तो इनका समाधि स्थल मोरारजी देसाई जी का अभय घाट है। तो आपको इस प्रकार से रिलेटेड रखना है। चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ स्थित है? इनका समाधि स्थल बता दें कि किसान घाट है, क्योंकि चौधरी लोग हैं ज़्यादातर किसानी करते हैं, तो वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं कि किसान कौन करता है, किसान चौधरी व्यक्ति करते हैं, तो इसका सही आंसर किसान घाट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।